हेलो एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं मोल फ्रैक्शन को मोलेलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मोलेलिटी को मोल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से इसे हम करते हैं। कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.80। तो हमें गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.80। सॉल्यूशन है H2SO4 का, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.80 एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 सॉल्यूट है जो आपका। तो वाटर के मोल फ्रैक्शन को हम जो है X1 लेते हैं, तो सॉल्यूट H2SO4 का मोल फ्रैक्शन X2 1 माइनस X1 होता है, 1 माइनस 0.80, इट इज इक्वल टू 0.20। हमें कैलकुलेट करना है मोलेलिटी, तो हम आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, एक फॉर्मूला बताते हैं जिसकी हेल्प से आप मोल फ्रैक्शन को मोलेलिटी और मोलेलिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मोलेलिटी M- इज इक्वल टू X2 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन 1 माइनस X2 इनटू M1। M1 यहाँ पर है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, M1 यहाँ पर होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड हियर द सॉल्वेंट इज वाटर H2O। तो H2O का मोलर मास 1 × 2 + 16, इट इज 18। तो यहाँ पर जो है M1 आपका 18 है। सीधे इस फॉर्मूले में आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू पुट करनी है, यू विल गेट द मोलेलिटी। देखिए, वैल्यू पुट करते हैं। X2 आपका 0.20 × 1000 डिवाइडेड बाई 1 − 0.20 इंटू M1, दैट मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इट इज 18। 0.20 × 1000 अपॉन 0.80 × 18। 0.20 से 4 इसे कैंसिल करते हैं, 250, और 250 को 18 से डिवाइड करेंगे, 13.88 आता है। तो आपकी मोलेलिटी आ जाती है 13.88। तो ये फॉर्मूला आपका मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है।